तो ऐसे गांव में आपको धुरंधर दिखते रहते हैं। ओ देखो कूद गया, अभी कूद गया के नीचे बच्चा हो गया, पकड़ देगा फिर बोट रहा। भंडारा आणि गोंदियातही आता शाळांना सुट्टी दिली जाते। पावसाचा जोर कायम आहे, त्यामुळे प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळांना सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला। तो हर जगह हर गली और हर मोहल्ले में छा रही है बस एक ही न्यूज, नदी नाले और तालाब से हो रहा है पानी ओवरफ्लो, गोंदिया भंडारा आ रहा है पानी की चपेट में, ऐसे न्यूज तो आपने आजकल देखे ही होंगे। तो भाई हम भी ठहरे गोंदिया के, बोले तो गोंगले पांडरी। वैसे तो नहर तालाब से हमारा बचपन से रिश्ता है, तो आज हम जाने वाले हमारे गांव का पूर देखने के लिए, और वो भी हमारे लंगूटिया यारों के साथ में। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। अबे यार, ओ माय गॉड, काका 2 मिनट आड़ी उतला ना गेट, तो अभी फंस गए अपन यहाँ पे 5 मिनट के लिए। अभी हम यहाँ पे रेलवे पटरी में फंस गए हैं, बस 1 सेकंड का, बस 1 सेकंड की दूरी थी, बस 1 सेकंड में हमारी गाड़ी निकलने वाली थी, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी 5 मिनट नहीं आया भैया। तुम भी पूर देखने जा रहे हो क्या? आया कैसे तुम्हारे को पूर? हाँ पूरा है ना। हाँ चलो ठीक है, जाते हैं देखने के लिए। मंजिल भाई, तुषार भाई, अबे हाय तो कर तुषार भाई। हाँ, और वो देखो खतरों का खिलाड़ी बीच पटरी में वहाँ पे खड़ा है भाई। ओ भाई, धोखा वोखा मिला क्या? तो इसको कहते हैं बूम, और हमारे गांव की लैंग्वेज में इसको कहते हैं रेलवे फाटक। तो रेलवे फाटक पड़ गई है, और अभी हम जाएंगे अभी 2 मिनट में पूर देखने के लिए। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल में, हमारे साथ में। हाँ। मछली कितनी मार रहे, क्या कर रहे हैं वो दिखाएंगे आपको हम। हाँ। आप कंटिन्यू बने रहिए। खतरों के खिलाड़ी, अरे बाप रे, कैसा लग रहा है आपको ये इतना बड़ा मंजर पार किया? ओ माय गॉड, देखो भाई, अभी पता नहीं, अभी 5 मिनट लगेगा यहाँ पे जब तक ये ट्रेन नहीं आती है, तो 5 मिनट यहाँ पे तुमको रुकना पड़ेगा, बस 1 सेकंड का फर्क था। तो अभी क्या कर सकते हैं, अपन को वेट तो करना पड़ेगा, वेट करना चाहिए। आ गई ट्रेन आ गई। वो देखो ट्रेन, तो ये देखिए, लेट्स गो। ओ माय गॉड, तो देखो यहाँ पे पहले ही चेतावनी दी गई है, तो यहाँ से आगे नहीं आ सकता। देखिए सावधान, काम चालू है। चलते क्या, फिर भी आगे बढ़ते क्या? तो चलिए देखते हैं। क्या बोल रहा है लड़का, क्या बोल रहे थे? क्या हो गया? तो यहाँ पे कुछ ज्यादा पुल नहीं आया है, बस एक दो बारिश का खेल ही है, ज्यादा नहीं। एक दो बारिश का टेम्प अभी, और जब बारिश बढ़ेगी ना, तब जाके शायद इसमें और ज्यादा गहरा पुल आएगा, या इतने लेवल तक ही पानी आता है, इतने लेवल तक के। तो गांव में यही सब चीजों का देखने का अलग मजा होता है, तो यही होती है विलेज वाइब्स। और चलिए आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कितना पुल है। तो यहाँ पे बीच रास्ते में रुक गए, हमें यहाँ से आगे जाना था, मालीजुंगा वाले तालाब में जाना था, मालीजुंगा वाला तालाब देखना था, लेकिन यहाँ पे तो ये रोड का भी काम नहीं हुआ, और यहाँ पे पुल भी आ गया। तो ये जो देख रहे हो ना, नीचे का पुराना रोड था, और ये ऊपर का जो देख रहे हो ना, अभी भी बन रहा है। और ये देखो खतरों के खिलाड़ी, तो ऐसे गांव में आपको धुरंधर दिखते रहते हैं। और देखो कूद गया, कूद गया क्या नीचे? कूद गया नीचे। फिर जा रहे देख, अबे अच्छा, ये तो चकमा देने वाले लड़के रे, जादू। तो चलिए मैं भी जाके देखता हूँ क्या है इधर ऊपर, जादू। हिल रहा है, पता है क्या, ये थोड़ा हिल रहा है, मेरे को डर लग रहा है इसका। आपका दोस्त, आपका होस्ट, तो अभी हम आए हैं यहाँ पे पूर देखने के लिए। देख सकते हो आप इधर उधर, आपको बारिश का कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा, तो गांव में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2 लड़की भी आए हैं देखने के लिए। हाय कर दो, वॉइस हाय कर दो।
सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। ओ सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना। ओ तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ इस पोल पे, देखो यहाँ पे काम चल रहा है। तो इस साइड में पांडरी और इस साइड में माली दूंगा और सीखी पा रही है, दो विलेज है इधर इस साइड में। इधर जिधर उधर आपको खेत ही खेत दिखे होंगे, ये देखो हरा भरा एक गांव की निशानी है, हरा भरा खेत और ऐसा नाला और इतना खुला खुला एनवायरमेंट और खुली खुली हवा। तो आप भी कुछ लोग आए हैं पूर देखने के लिए हमारी तरह ही, तो यही होता है बरसात के मौसम की मजे, ऐसे पूर देखने के लिए आते हैं, सेल्फीज वेल्फीज खींचाते हैं, लेकिन थोड़ा संभाल के। वैसे तो यहाँ पे हमारे मंजिल भाई और तुषार भाई गप्पे लड़ा रहे हैं, पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। जो भी बातें कर रहे हो मेरे को पता है किस चीज की बात कर रहे हो, लड़कियों की बातें कर रहे होंगे। तुषार भाई हमारे विजय देवरकुंडा है, ओ माय गॉड कितना आनंद लेना था यहाँ पे, तो ले लिया मैंने यहाँ पे। वो तो भाई पेड़ दिख गए, तो देखिए गाइस मुझे यहाँ से नीचे कूदना है और इधर मेरे दोस्त लोग भी है, तो देखते हैं अपन कूद सकते कि नहीं कूद सकते, क्योंकि डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत। तो भाई ये टूटना है बस। ओह माय गॉड यस, मिशन सक्सेसफुल, मिशन पास। तो चलिए अपन आगे देखते हैं, सामोर बनता है पुल अगली मंजिल के लिए जाते हैं। क्या अगली मंजिल? अगली मंजिल की तरफ जाते हैं। गाइस अभी हम यहाँ पे पूल देखने के लिए हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ। ये जो ये जो ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है लंगूड़िया यार, ये है मंजिल और ये है हमारे तुषार भाई, विजय देवरकुंडा भी बोल सकते हो आप इनको। देखिए कितना हैंडसम है हमारे भाई। तो चलिए गाइस अभी यहाँ से अपन आगे जाते हैं। हमारा जो प्लान था मालदीव में जाने का कैंसिल हो गया, क्योंकि वो काम भी नहीं किया उन्होंने अच्छे से पूरा वो फ्लाईओवर का। तो देखिए यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है भाई लोगों का, अंकल भी वापस पलट रहे, अभी टूर आ गया। लड़की बोला जर को किसकी है? लड़की नहीं मुझे लड़का हो। इस गांव में आपको ऐसे ताने लोगों के सुनने पड़ते हैं, वो मेरे को लड़की बोल रहे हैं। तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। अग्निवीर वादे दिए कितने वादे दिए, तेरी याद सताए रात रात। तो अभी हम आए हैं गोंगली के नाले पे, यहाँ पे तो काफी कूद दिख रहा है मेरे को, मतलब ओवरफ्लो भी हुआ था आज, लेकिन अभी हम थोड़ा लेट आए ना, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा अभी पानी की लेवल थोड़ी कम हुई है अभी। और जब ओवरफ्लो होता है ना तो ये पूरा रोड पूरा डूब जाता है, पता क्या इतनी लेवल तक आता है पानी। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना तो मेरे नाक तक ही पानी आता है, इतना भयंकर। तो यहाँ से पूरा रास्ता पूरा जाम हो जाता है, मतलब कोई जा भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ये इतना आता है पानी, पता क्या ऐसा है पूरे आधे पेड़ भी डूब जाते हैं और ये पानी इस लेवल पे आ जाता है। वो जो देख रहे हो ना वो वाले रोड, ये थोड़ा चढ़ा हुआ है और चढ़ाव की इस लेवल पानी आ जाता है, इतना भारी। फिलहाल तो मंजिल भाई गाड़ी पार्क कर रहे हैं अपनी रोड पे, और तुषार भाई तुषार भाई क्या बोलते हैं, एक बार छलांग मारते क्या? तो ये अभी अग्निवीर वाले लड़के दौड़ के आ रहे हैं, तो इनको छलांग मारने के लिए बोलते हैं। हमारी इंग्लिश थोड़ी हिंदी थोड़ी वीक है भाई। भाई अग्निवीर जंप मार के दिखाओ। अरे गजब बेइज्जती है। वादे दिए कितने वादे दिए, तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात रात। तो कुछ इस तरह से सेल्फियां ना निकाले ऐसे, देखो पानी का बहाव काफी है। यहाँ पे मंजिल भाई पुशअप्स करती हुई है, कम ऑन 3 4 5 99 Mission pass. ओ बलमा क्यों वो तूने मेरी ढोल बजा दे, ये ऐसे कैसे नाच नचा दे, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना दुश्मन कैसे। तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू
मच्छी ते मच्छी बे कुठे तिले हे राहत पाय राहत इकडे बाय फालतूत झाला तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज आमचे काकाजी सांगतील काकाजी तर पूर वगैरे येत राहते का नेहमी येत राहते का नाही आज आला होता का आज आला ठीक आहे आज आला होता उद्या येईल का उद्या येईल का उद्या येईल का बाबाजी काय म्हणून इच्छितात काय म्हणलं बाबाजी पाणी वरचा आला तर पूर अशी वाढू शकतं तर कमी होऊ शकते कडी होऊ शकते बोल बसर काय म्हणते ओळखली का तुम्ही कशी काय ओळखली मला तेवढा दूर मी तिकडे राहतो बोला था ना हमारे गांव में काफी चेंजेस हो गए करके अभी 6 महीने में गांव नागपुर था और 6 महीने के बाद आया तो काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे मेरे को तो जैसे ये जो देख रहे हो ना ये रोड बन रहा है ऊपर का नहीं तो ये अभी जो पानी देख रहे हो ना इस पानी के लेवल में रोड था मतलब तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे लड़के तो हम मस्त मच्छा पकड़ रहे तो गाँव में यही वाइब्स होती है पता क्या छोटी लड़की इधर आओ क्या कर रही हो यहाँ पे पानी वो मच्छी पकड़ रहा है क्या देखो भाई ये लड़के मेरे को देख के क्यों दूर दूर भाग रहे हैं गाँव का लड़कों में ये देखो दूरी से भाग रहे हैं तो चलिए यहाँ पे काफी ज्यादा पानी बह रहा है तो चलो आपको दिखाता हूँ ओ माय गॉड अरे बाप रे भाई क्या पानी है आप रे पानी का फ्लो देखो आप भाई साहब एक काम कर सकते हैं मेरा वो काड़ी लाओ दे वहां से काड़ी वो छोटी वाली तो अपन वो काड़ी फेंक के दिखते कितने स्पीड से भागती है तो देखो अलाओ इधर तो देखते अभी डूबती है या बहती है तो फेंकू इसको काड़ी को फेंक दो फेंक दो 1 2 3 गाय भी छूगी गायब ओ माय गॉड दूसरी गाड़ी लो ये तो छोटी है ये तो तैरेंगी भी नहीं अभी एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे फेंका तो डूब गई भाई थोड़ा इस साइड में फेंकता हूँ भाई डूब गई सब डूब रहा है यहाँ पे देखो सब छोटे लड़के मेरे को भाग रहे हैं मेरे को देख के मच्छा वगैरह पकड़ते क्या फिर मच्छी नहीं पकड़ते बोट रहा तो गांव में अलग अलग नाम होते हैं जो होते हैं ना फिश वगैरह तो अलग अलग नाम होते हैं तो बोटरिया भी एक गांव का एक फेमस नाम है बोटरिया वैसे क्या होता है मैंने खाया होगा लेकिन मेरे को पता नहीं कि एक्चुअली बोटरिया क्या है तो अंकल से पूछते भैया से पूछते कैसे बोटरिया क्या है एक्चुअली मालूम नहीं होगा आपको बोटरिया बोलते हैं विलेज लाइफ स्टाइल एंड सिटी की लाइफ स्टाइल काफी डिफरेंट होती है हमने पूल जो देखना था हमने देख लिया है ज्यादा पूल नहीं आया ज्यादा अगर पूल आया ना तो वीडियो शूट भी नहीं कर सकती अच्छे से पता है क्या तो अभी पूल ज्यादा भी नहीं आया इसलिए मैं मैक्सिमम चीजें आपको दिखा पाया है ऐसी आप देख सकते इस साइड का जब ज्यादा ओवरफ्लो होता है तो ये भी पूरा गीला होता होगा ना पूरा इस साइड का पूरा तो चलिए गाइस अपन यहाँ से अपन निकलते हैं अपने घर की तरफ आई होप आपने आज की विलेज लाइफ एंजॉय की होंगी फिलहाल आज की वीडियो में डिपेंड करते हैं आगू आपको घर वीडियो पसंद आऊंगा स्वस्थ रहो हंसाते रहो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लव यू बाय बाय सो ऐसे तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज तू मेरा रोज